पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौरी आश्रम गांव सब्जीपुर में धूमधाम से सातवां बाबा नीम करौरी उत्सव मनाया जा रहा है। समारोह के तीसरे दिन मंगलवार को बाबा नीम करौरी महाराज का अनादिवास किया गया। अनाज में बाबा और अन्य देवी देवताओं के साथ रात भर निवास करेंगे। अनादिवास और हवन पूजन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंगलवार को सुबह यज्ञाचारों ने सभी 10 दिशाओं से चारों वेदों से नवग्रह देवताओं इष्ट देवताओं का आह्वान किया। पंचांग पूजन और रुद्राभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया गया। यज्ञ में श्रद्धालुओं ने 51,000 आहुतियां दी। इसके बाद भगवान गणेश, श्री राम दरबार, शिव परिवार, माँ दुर्गा, माँ काली, बालाजी महाराज, बाबा नीम करौरी महाराज सहित सभी की मूर्तियां अनाज में रखी गईं। रात भर सभी भगवान अनाज में ही निवास करेंगे। अनादिवास और हवन पूजन के बाद बाबा नीम करौरी और सभी देवताओं की आरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। ओम नमः स्वाहा, ओम योनये स्वाहा, ओम तत्त्वाय स्वाहा, ओम तत्त्वगम्याय स्वाहा, ओम संख्याय स्वाहा, ओम अजराय स्वर्लोकाय स्वाहा, ओम महल्लोकाय स्वाहा, ओम जल्लोकाय स्वाहा, ओम तपसे स्वाहा, ओम गर्गम्याय स्वाहा। अवगत होगा, जानकारी होगी कि आज बाबा की मूर्ति अनाज में विश्राम कर रही है। कल विश्राम दत्तों में और लिहाज दत्तों में उनका विश्राम होगा। परसों पूर्ण आहुति है, 2 दिन का कार्य बचा है। सभी लोगों से विनती है कि बाबा के भव्य इस प्रोग्राम में आए। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा आप पे ऐसी खुशियां बरसाते रहें। कल जो प्रोग्राम है हमारा हरे कृष्णा कीर्तन मंडल धीर दादा जी बुद्धि विहार, कल भव्य फूलों की होली होगी। इस रायगढ़ में 6 बजे से शुभारंभ होगा। थोड़ा समय का अभाव है, सभी लोग 6 बजे तक आने की कृपा करें, जिससे हम लोग आगे आने वाले कल का व्यवस्था भी कुछ कर सकते हैं। कल हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो हम लोगों को बहुत परेशानी पड़ती है, क्यों आप लोगों को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ लोग सवारी से हैं, कुछ लोग पैसे भी हैं, सब लोगों को व्यवस्था दी जाती है, तो इस वजह से हम बहुत जल्दी खींचना चाहते हैं। आपके भव्य स्वागत देखते हुए, आपका सम्मान देखते हुए हम लोग बहुत आप पर कृपा करते हैं कि आपका समय से आप सब लोग घर पर पहुँचें, सुरक्षित पहुँचें। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।